Hello friends, we are from M.Tech Cyber Security and today we are going to present an edutainment drama that will not only make you aware about different kind of cyber crimes but also will let you know the solutions, and it will be provided by Cyber Baba. So let's start. जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे ये महाशय कॉफी पीते पीते फ्री वाईफाई का लुफ्त उठा रहे हैं. मुझे तो लगता है अपनी गर्लफ्रेंड से बात करें. क्यों? हाँ सही है, देख लेते हैं क्या कर रहे हो. हाँ लगता तो वही है. तो चलिए आइए देखते हैं कैसे ये फ्री वाईफाई इनकी जिंदगी में क्या क्या गुल खिलाता है. आज कॉफी अच्छी बनी है यार. क्या कर रही हो? जैसा कि आप देख रहे हैं GFSU नहीं चल सकती नस्तियों के बिना, वैसे इंटरनेट नहीं चल सकता साइबर बाबा के बिना. इंट्रोड्यूसिंग साइबर बाबा, ही इज M.Tech साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम GFSU और वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने साइबर वर्ल्ड में महारत हासिल करी है. तो आइए देखते हैं कि साइबर बाबा उनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं. बाबा क्या बताऊं मैं आपको, मैंने जो आपको दो महीने पहले वो बात की थी ना, आपने वो हाँ वही भाई उसका ब्रेकअप हो गया बाबा. क्या करूं, कैफे में बैठा था, कॉफी पी रहा था, कॉफी पी रहा था, मैं चैटिंग भी कर रहा था. मैंने एक मैसेज भेजा, हाय क्या कर रही है. उसके बाद अचानक से उसका मैसेज आया, अरे ब्रेकअप बाबा, उसने ब्रेकअप बोल लिया, मैं क्या करूं, मेरे को कुछ पता नहीं. बाबा बोलो मैं मिडल अटैक हुआ है, क्या हुआ है, मैडम पड़ा पता नहीं क्या. ओपन वाईफाई यूज किया होगा. हाँ ओपन वाईफाई यूज किया था उधर. बाबा हम तो इंडियन लोग हैं, जहाँ भी मुझ पर मुक्त का मिला लेके घुस जाऊंगा बाबा.
सुनो, मैं तेरे को लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, वो देख लो, उसके बाद आप डिसाइड कर लो, ओके? मैं अभी आपको लिंक भेज रहा हूँ, लोडिंग है, देख लो। हेलो, क्या करूँ अब? कुछ मत कर। हेलो दीशा, अभी एक काम करो, तैयार होके घर के बाहर आ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ, छूटा लेके आ रहा हूँ। अभी मैं घर के बाहर आ रहा हूँ, हम अभी स्कूटर पे जाके साइबर बाबा को मिलने जा रहे हैं। कहाँ पे? वो बहुत बड़े ज्ञानी है साइबर बाबा, अभी मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। दूम, 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 दूम,
साइबर बाबा, मैं नहीं हूँ साइबर बाबा, चलो साइबर बाबा के पास। ये रहा साइबर बाबा, बाबा 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 नया बोल रहा है। अबे तू भी क्या किया? अबे तू प्रॉब्लम के पास जाता है या प्रॉब्लम तेरे पास आती है? आपको जो क्वांटम का प्रॉब्लम बताया था बाबा, बाबा सोलह उत्तर दे दो। अपनी फोटो अपलोड की थी और इंडिया देखा इसमें ऐसा होगा कि आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ है तुम्हारा। बता बता इसको मैं बताता हूँ कैसे हुआ। तुमने अपनी फोटो अपलोड की होगी, की थी ना, तीन दिन पहले की थी, लेकिन की तो थी ना। वो सब करते हैं लेकिन मैं समझाता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या। अभी किसी दूसरे आदमी ने तुम्हारा फोटो डाउनलोड किया, उसमें से एक दूसरा अकाउंट बनाया और फिर उसको रिक्वेस्ट की, समझी? यही होगा। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, कभी कभी क्या है, मैं भी कभी कभी फेसबुक यूज कर लेता हूँ। मैं प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मत दे, नंदे मेरा से कोई अकाउंट है, बाकी तुम तेरे को दिए जाता। हाँ अभी सुना, अभी मैं भी कभी कभी फेसबुक देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कई सारे लड़के लड़की अपने आधे आधे घंटे में फोटो अपलोड करते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, ठीक है। तो इसका मिस यूज वो कर सकते हैं, तो जब तक हो सके तब तक ऐसे प्राइवेट फोटोज ज्यादा अपलोड नहीं करना। कर सकते मना कहा कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम पे दे रहा हूँ, आधे आधे घंटे में। अगर मानो कि आपको फोटो अपलोड करनी है तो सेटिंग्स में प्राइवेसी सेटिंग आता है क्या? बताइए। देखो प्राइवेसी सेटिंग्स में ऐसा होता है कि तुम अपने फोटोज अपलोड करो, तुम ये चेक कर सकते हो कि कौन कौन तुम्हारे फोटोज देख सकते हैं। उसमें तीन चार ऑप्शन आते हैं, जैसे कि ओनली मी, फिर फ्रेंड्स, फिर एवरीवन। उसमें एवरीवन नहीं रखना, सिर्फ फ्रेंड्स रखना। अब हमको कुछ प्रसादी जैसा कि हमारा कुछ अच्छे से रहे। दोस्तों मूवीज तो मूवीज शो तो हम सब देखते हैं, कोई थिएटर में हम जाते हैं देखने के लिए, कुछ हम डाउनलोड करके देखते हैं टॉरेंट्स में से, और कुछ डीवीडीज खरीद कर लेते हैं बाजार में से। तो पर क्या ये डाउनलोड करके खरीदना या सीडी देखना सही है? आइए देखते हैं ये प्राइवेसी होती क्या है। नहीं नहीं सीडी, नए मूवी की सीडी, नए सॉन्ग की सीडी, सीडी ले लो, 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 सीडी ले लो। अरे ये सारी है, ये देखो नए मूवी वाली है, हॉलीवुड वाली है, हॉलीवुड वाली, चली जल्दी भेज दो। बॉलीवुड बॉलीवुड ये देखिए, ये पांच सीढ़ियां है उसमें बॉलीवुड है, कितना रुपए में? ₹50 में चल रहा है। क्लियरिटी कैसी होगी? एकदम A1 होगी, A1 देख के खुश हो जाएगा। मूवी कैसी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो चलो हाँ घर पे जाके मिल जाएंगे। ये कौन घर में आ जाता है? मार रहा है, अबे कितनी बार समझाया बाबा जी,
मत करो। ये कौन सी रस्सी है? तेरा फोन दे मैं तुझे समझाता हूँ। ये लो बाबा कौन सा तू? ये वाला तू? ये वाला ये तेरा फोन है ना? हाँ, हाँ। अभी तेरे को पूछे बिना अगर मैं एफ एम इसको बेच दूँ एग्जाम्पल तो तेरे को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। अभी ये तो अगर बेच देगा तो उनको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो जैसे तेरे को बुरा लगा वैसा ये पुलिस वाला तेरे को पकड़ रहा। अच्छा ऐसी बात है बाबा जी को पता चाहिए मुझे। मैं ये इसको नहीं मालूम ये क्या कर रहा था समझा? तो इसको भी जाने दे। इसको अगर दूसरी बार ये करेगा ना तो इसको मेरे पास भी लेके मना डायरेक्ट जेल में डाल देना। नहीं करेगा ना? नहीं करेगा।